हेलो एवरीवन तो आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग की तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया देना चाहूँगा ऑब्वियसली इसमें न्यूज़पेपर नहीं है कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए जो आपको ध्यान में रखने हैं एंड ट्रस्ट में अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे आई कैन से कि फिफ्टी ऑफ योर टाइम विल बी सेव्ड अगर आप करंटली दो तीन घंटे दे रहे हैं आई कैन गारंटी आधा एक घंटे आपका बचेगा ठीक है ना तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंस ठीक है देखो इंपॉर्टेंस अक्सर गलत धारणा ये रहती है कि न्यूज़पेपर इज जस्ट फॉर करंट अफेयर्स बहुत गलत बात है ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया यार करंट अफेयर्स को तो करता है नो डाउट बट इट इज नॉट जस्ट फॉर योर करंट अफेयर्स आपके मेंस में आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में हेल्प करेगा अवेयरनेस uh, में हेल्प करेगा जो बड़े बड़े इशूज हैं उनके रिगार्डिंग आपको जो ओपिनियन है जो अंडरस्टैंडिंग है उनको डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा बड़े बड़े जो ऑथर्स राइटर्स स्पेशलिस्ट हैं उनके आर्टिकल्स आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आपका जो एक यू नो नॉलेज है वो ब्रॉड broad होगा ब्रॉडन होगा एंड बहुत सारी चीज़ें हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स ठीक है ना करंट अफेयर तो देगा ही देगा करंट अफेयर अवेयरनेस ऑब्वियसली दिस इज द प्राइमरी सोर्स नो डाउट बट बाद में जो है डीप अंडरस्टैंडिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़ जैसे न्यूज़पेपर इज़ नॉट जस्ट फॉर योर यू नो एक जो वन लाइनर या टू लाइनर न्यूज़ होती हैं इशूज़ जो कि सबसे ज्यादा चीजें निगलेक्ट हम करते हैं इशूज हमें इश्यूज़ पे ज्यादा फोकस करना पड़ता यू यू है यूपीएससी इश्यूज़ पे ज्यादा नो क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी इश्यूज़ के पीछे ज्यादा यू uh, नो you know, पीछे भागता है तो दिस इज़ वर्ड द थिंग जब आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे आपको अच्छे समझ में आएंगी तो इश्यूज न्यूज़पेपर में ज़्यादा आते हैं एंड उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है एंड ऑब्वियसली जो बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो तो हमें पढ़नी ही है हेल्प्स इन इंटरव्यू ऑब्वियसली देखो इंटरव्यू में जाहिर सी बात है यू में आ, बहुत से ऐसे देखो बहुत से ऐसे टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे बट एज एन अवेयर यू नो एज एन अवेयर पर्सन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर एज अ यू पी कुछ चीज़ें हैं यानी कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए And some things can be asked in interview which uh, might not be asked in UPSC exam, as simple as that. So, इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है ठीक है ना दे कैन आस्क एनी चाहे वो सिलेबस के अंदर हो सिलेबस के बाहर हो तो अगर अवेयरनेस नहीं है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सोचा सिलेबस में नहीं है, आपने स्किप कर दिया और इंटरव्यू में पूछ लिया इट विल गिव यू अ बैड यू नो इंप्रेशन क्योंकि जो मार्केट में मटेरियल्स आते हैं uh, चाहे वो डेली करंट अफेयर हो गई चाहे वो मंथली मैगजीन हो गई वहाँ पर हर चीज़ कवर नहीं होती है ठीक है ना वहाँ पर से वही चीज़ कवर होती है जो सिलेबस में दिया होता है बट द चेंज थिंग इज कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है मैनी क्वेश्चन आर डायरेक्टली पिक्ड ऑब्वियसली हिंदू से इंडियन एक्सप्रेस से कम से कम मैं कह सकता हूं आठ दस क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं डायरेक्टली तो यस दैट इज अनदर बिग एडवांटेज ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर अप टू डेट आदि के होता क्या है कि मंथली मैगजीन है पहली बात तो मंथली मैगजीन जो भी आप पढ़ेंगे एक महीने पुरानी आएगी ऐसा नहीं होगा कि आपने अप्रैल कंप्लीट करा और फर्स्ट वीक में आपको अप्रैल की मैगजीन आएगी जो फर्स्ट वीक मे में जो मैगजीन आएगी वो आ, कह सकते हैं कि आ, एक या डेढ़ महीने पुरानी होगी यानी कि एकदम नहीं आती है मैगजीन जल्दी जल्दी जो अप्रैल का जो लिखा रहता है कि अप्रैल की महीने की मैगजीन है वो उसमें मार्च का कंटेंट रहता है कहने का मतलब है कि अगर आपको अप टू डेट रहना है डेली बेस पे देन न्यूज पेपर इज समथिंग विच यू नीड टू फॉलो रेगुलरली एंड रिलीजियसली ठीक है जी अनदर थिंग इज वट नॉट टू रीड बहुत आसान है सबसे पहले ये देखने से बढ़िया कि हम क्या पढ़ेंगे आई थिंक न्यूज़पेपर में हमें इस focus फोकस कर क्या सबसे पहले ये फोकस करें क्या नहीं पढ़ना ऐसे तो आपने देख लिया है अब मैंने बहुत बार बोल रखा है भैया देखो ऐसा है स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं पढ़नी है अब आप बोलोगे कि भाई स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे पहली बात है जो पिछले साल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप से रिलेटेड तीस साल बाद वो क्वेश्चन आए थे वो भी तीन क्वेश्चन और वो भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे कि अगर आप शायद नहीं भी स्पोर्ट्स पढ़ते तो भी शायद आपको पता होता बहुत ही मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स थे अनदर थिंग इज़ अब एक बार आगे इसकी कोई गारंटी नहीं कि बार बार आएंगे और मैं अगेन बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स की जो छोटी मोटी न्यूज़ है लोकल या डोमेस्टिक टाइप ऑफ न्यूज़ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है मोस्टली आप ठीक है ओलंपिक से रिलेटेड है या फिर वर्ल्ड कप है या कोई भी मेजर इंटरनेशनल इवेंट है तो आप पढ़ सकते हो ऑब्वियसली उसके बाद एंटरटेनमेंट तो भैया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है वहाँ बहुत रेयर अगर कोई एक बहुत रेयर कोई ऐसी आपको न्यूज़ लगती है आई डोंट थिंक ऐसी कोई न्यूज़ होगी वैसे तो मैं जब नोट्स बनाऊंगा न्यूज़पेपर के आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा नीड नहीं अगर आपको लगता है कुछ ऐड आपको करना है आप बना सकते हैं अपनी चॉइस से बट आई एल बी ऑल्सो मेकिंग नोट्स तो आपको नोट्स अलग से बनाने की नीड नहीं है तो नो नीड ये तो बिल्कुल भी मत पढ़ना तो फालतू की बकवास चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ ठीक है उसके बाद बिजनेस न्यूज़ नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है जो बिजनेस पेज होता है कई बार हमें लगता है कि इकोनॉमी की न्यूज़ है बट इकोनॉमी की न्यूज नहीं होती वो बिजनेस की न्यूज होती है स्टॉक्स हो गया निफ्टी सेंसेक्स नहीं पढ़ना है ठीक है ना उसके बाद आता है क्राइम लोकल न्यूज अगेन हाँ इनमें देखो क्राइम और लोकल न्यूज़ में द थिंग इज कि अगर कोई एक ऐसा क्राइम हुआ है जिसका बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है या कि कोई आ, किसी का यू you नो know, सोशल इश्यूज है या फिर कुछ आ, स्पेसिफिक है बहुत ही आपको भी आप भी समझ रहे होंगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसे होते हैं जिससे कि शायद एक सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है या फिर बहुत बड़ा चेंज होता है जिसके रिगार्डिंग या फिर कोई अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है वैसे टाइप के क्राइम न्यूज़ हैं तो येस उसका आइडिया होना चाहिए बिकॉज जी में सोशल इशूज़ में कवर होगा बट छोटे मोटे क्राइम की यहाँ चोरी हो गई Uh, मंदिर में ये चोरी हो गई यहाँ पर किसी की चेन स्नैचिंग हो गई दिस काइंड ऑफ न्यूज़ यू नीड नॉट टू रीड ऑब्वियसली इट इज सैड थिंग थोड़ा सा बुरा लगता है बट एट दी यू नो जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो अपने इमोशंस को साइड रखते हुए आपको प्रेपरेशन करना है बिकॉज आई नो इफ़ यू रीड सच काइंड ऑफ न्यूज़ इट विल मेक यू एंग्री पॉलिटिक्स न्यूज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी यहाँ ये बने वहाँ वो बने आज ये सीएम बन गए कल वो सी एम बने uh, इन दो पार्टीज का कोॉलिशन हो गया नो no नीड पॉलिटिक्स यानी कि अगर आ, कह सकते हैं पॉलिटिक्स थोड़ी सी पॉलिटिकल से रिलेटेड न्यूज है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है जहां पर जुडिशरी की इंटरफेरेंस आती है इंटरवीन वो आपको पढ़ना है ठीक है जी लास्ट रैंडम इंटरनेशनल न्यूज़ एडिटोरियल देखो रैंडम बोले तो कभी कि भी किसी भी एक छोटी मोटी कंट्री का कुछ दे दी कि वहां पर ऐसा क्राइसिस चल रहा है ऐसा चल रहा है यस एज एन अवेयरनेस यू कैन रीड बट सिलेबस परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनटेरोनलेस वहाँ पर इंडिया का कोई रोल है या इंडिया की नेबरिंग कंट्री है या एशिया में कुछ हो रहा है फिर इंडिया का स्ट्रॉन्ग पार्टनर है ये सारी चीज़ें हैं तब आपको पढ़ना है अदरवाइज एक रैंडमली कोई कंट्री आ गई या यूरोप की या फिर साउथ अमेरिका की नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ठीक है जी तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी आएगी आई कैन गारंटी दो पेजेस के हो गए कम से कम एंटरटेनमेंट खैर ज्यादा आता नहीं एक है दो तीन तो बेसिकली ऐड ही होते हैं तो मान लो तीन पेज तो ऐड हो गए आपके बिजनेस का एक पेज होता है क्राइम के दो पेज हो गए पॉलिटिक्स के भी दो पेज हो गए एंड रैंडम एक पेज तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह पेज कट गए सोलह पेज का पेपर आता है मैक्सिमम पांच पेज आपको पढ़ने हैं तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अग थिंग अब आती है वॉट टू रीड वेरी सिंपल जो भी सिलेबस में है वो पढ़ो अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता तो भैया अभी तो मैंने सिलेबस का एनालिसिस का वीडियो डाला ना तो जो भी सिलेबस में मैंशनड है सिर्फ वो पढ़ो दैट इज इट ओनली सिलेबस खत्म बात है सिलेबस वाली चीजें पढ़नी है जैसे कि क्या हो सकता है स्कीम्स आ गई कोई नई स्कीम है कोई नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पे आर्ट कुछ अगर मान लीजिए कोई स्टेट का स्पेसिफिक आर्ट फंक्शन हो रहा है रिगार्डिंग दैट ठीक है ना अमेंडमेंट्स सॉरी आर्टिकल है ये पढ़ा ऑब्वियसली जो आर्ट वाले फंक्शन वो भी बट आर्टिकल अमेंडमेंट ठीक है ना इकोनॉमिक, जजमेंट एनवायरमेंट एक्सेट्रा ऑब्वियसली एज पर आर सिलेबस इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है जिसको सिलेबस पता होगा Uh, uh, you know, do good इन दिस सेक्शन अगर आपको सिलेबस नहीं पता है आपको अगेन दिक्कत आएगी कि क्या पढ़ना है मैं सच बता रहा हूँ, उसमें भी आप चार पांच पेज में भी आप कंफ्यूज हो कि ये पढ़ू कि ना पढ़ू एंड अगर पढ़ भी लोगे तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे किस जीएस का यू नो टॉपिक है तो प्लीज वो चीज अच्छे से करी एंड लास्ट देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं ऑब्वियसली देखो पहली चीज़ है कौन से न्यूज़पेपर पढ़ना है माय फर्स्ट प्रेफरेंस एज ऑलवेज हिंदू मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है ज़्यादा समझ में नहीं आया ज़्यादा मज़ा नहीं आया मुझे मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा अगर आप इंडियन एक्सप्रेस में कंफर्टेबल हैं गो फॉर इट कोई यहाँ पे चॉइस नहीं है बट पहली चॉइस मेरी द हिंदू है अगर आपकी पहली चॉइस द इंडियन एक्सप्रेस है गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस बट इन्हीं दोनों न्यूज़ पेपर में से एक पढ़ना बाकी एच टाइम्स ऑफ इंडिया यू ये न्यूज़पेपर को ज़्यादा फॉलो मत करना ठीक है ना तो द हिंदू अगर नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस ऑफलाइन मेरी प्रायोरिटी है क्योंकि भाई बड़ा न्यूज़पेपर होता है मोबाइल में कितना आप जूम करके देखोगे ऑब्वियसली uh, अगर एक डेढ़ एक डेढ़ घंटा पढ़ रहे हो तो अच्छे से अगर डिस्ट्रैक्शन को साइड करते हुए अच्छे से न्यूज़पेपर है कटिंग करके पढ़ रहे हो जो पेजेस पहले आपने कट कर दिए नहीं पे तो बहुत हेल्प होती है तो अरेंजमेंट्स में अगर नहीं मिल रहा है तब तो देखो ऑनलाइन जाना पड़ेगा आई थिंक वन के करीब का वन ईयर सब्सक्रिप्शन आता है आप ऐप स्टोर से भी और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है ना अनदर थिंग इज टाइम कितना टाइम देना है अगेन बिगनर है तो लग से दो से तीन घंटे लग जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आप तीन घंटे लग रहे हैं बिगनर है, uh, है यानी कि चलो आई अंडरस्टैंड कि अगले एक या दो या तीन महीने में आप दो तीन घंटे दे रहे हो इट्स अंडरस्टैंडेबल नोनी टू वरी टाइम लगता है थोड़ा समझने में एडवांस हो तो एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा मत देना एक वन आवर इज समथिंग विच इज सफिशेंट दैट्स इट उसके बाद नोट्स नॉट कंपलसरी ठीक है ना नोट्स कंपल्सरी नहीं है अगर आपको नीड है अगर आप अच्छे से समझ गए हो किस चीज़ के नोट्स बनाने गो फॉर इट फ नॉट अगर नहीं समझ में आता अच्छे से सब पहले तो समझ ही नहीं आ रहा पढ़ना क्या तो प्लीज नोट्स बनाना मत नोट्स तब मत बनाना टाइम वेस्ट होगा बिकॉज आई एल भी प्रोवाइडिंग नोट्स मैं मंथली नोट न्यूज़पेपर के भी दूंगा और करंट अफेयर के अलग से कंबीनेशन भी दूंगा न्यूज़पेपर के नोट्स अगर मुझे लगते हैं कि यस दीज आपॉर्टेंट पॉइंट्स सो आल बेकिंग नोट्स अगर मुझे लगता है कि इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट तो नहीं बनाऊंगा कहना है कि ऑब्वियसली अगर जरूरत है तो मैं दूंगा आप भी बना सकते हो अगर आपकी चॉइस है तो रिविजन नो नीड देखो कई बार कई लोग क्या करते हैं न्यूज़ पेपर के रिवीज़न करते हैं वैसे नहीं करना उसकी नीड ही नहीं है एक इशू को अच्छे से समझो एंड उसके बाद जो मल्टी मैगजीन आ रही है वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा अलग से नहीं न्यूज़पेपर बचा के रखो रिवाइज करो या न्यूज़पेपर कटिंग बचा रहे हो रिवाइज करो नहीं है उसकी नीड बिल्कुल नीड नहीं है आई विल ब्रिंग मैनी फुल न्यूज़पेपर सेशन ऑब्वियसली ये तो कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने डोंट वरी अभी आप इन 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 चीज़ों को फॉलो करते हुए न्यूज़पेपर पढ़िए बाकी मैं रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ पेपर के सेशन लाऊंगा कम से कम आठ दस सेशन लाऊंगा जिसमें कि मैं पूरे न्यूज़ पेपर के सिक्सटीन पेजेस बताऊँगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या छोड़ना है किसको कितना टाइम देना है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी कम इंपॉर्टेंट है जी एस वन का टॉपिक कौन सा है जी एस टू का थ्री का कौन सा है ऐसे के लिए कौन से टॉपिक हेल्पफुल होते हैं कौन से एडिटोरियल पढ़ने ईच एंड एवरी इन डिटेल में लाऊँगा बट फिलहाल इन चीजों को ध्यान रखिए एंड इट विल हेल्प यू अलॉट तो ये कुछ पॉइंट न्यूज पेपर के प्लीज आई कैन से अगर इन चीजों को आप फॉलो करोगे अच्छे से इट विल हेल्प यू अलॉट ना बहुत बेसिक सी चीजें हैं एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टूडे